प्रदेश भर में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और प्रचार के अंतिम दिन पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला चुनाव है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही सकारात्मक चुनाव प्रचार हुआ। प्रदेश भर में करीब 100 रैलियां की गई और इन रैलियों के माध्यम से प्रदेश में 3 माह के सरकार के कामकाज के आधार पर जनता से वोट करने की कांग्रेस के पक्ष में अपील की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा कि आज जनता सवाल पूछ रही है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए आखिर क्या किया, लेकिन दिल्ली से आने वाले नेता ये बताने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में नेताओं के भाषणों में जिस तरह की गिरावट देखी गई वो देश के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो वातावरण निर्मित हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तमाम जो नेता भाजपा के प्रदेश में आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के प्रधानमंत्री जी कई बार आए, लेकिन सवाल जनता राजस्थान की पूछना चाहती है कि 5 साल आपकी सरकार दिल्ली में थी, जयपुर में थी, और विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनके साथी जो जयपुर में, बाड़मेर में, हिंडौन में जो रैलियाँ कर रहे हैं, एक बार भी ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि दिल्ली की सरकार ने राजस्थान की जनता को पिछले 5 साल